6:40 पर बताते हैं कि यहाँ जो मेरे सामने गेट है, यहाँ गेट से फायरिंग हुई है और दो लड़के, तीन बंदे थे जिनमें से एक जख्मी है और दो यहाँ ऑन स्पॉट डेथ हो गई है उनकी। यहाँ से फायरिंग किया, ये बच्चे अंदर ही काम करते थे, अंदर इनकी कैंटीन थी, कैंटीन में एक तो खाना बनाता था, एक खाना सर्वे करता था जो कान भाई आते थे आर्मी की। और 6:40 पर ये वाकया हुआ है, इतना दर्दनाक और भयानक वाकया हुआ है। 6:30 का वाकया है। यहाँ पे दो लड़के आते हैं, यहाँ पे आर्मी कैंटीन लेकर रखी है, यहाँ पे पर डे यहाँ के उनका आना जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे, यहाँ पे सब्जी मंडी है, यहाँ पे पास है। 4 मॉर्निंग वॉक के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और सुबह 4 यहाँ पे मंडी में काम स्टार्ट हो जाता है। 6:30 का वाकया है। यहाँ पे कंटीन लेकर रखी थी लोग, बच्चों ने डेली वहाँ पे आते थे। यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से गोली मार के हत्या की जाती है उन दोनों बच्चों की, और एक आदमी सीरियस है जीएमसी हॉस्पिटल रिहोड़ी में। जो हादसा हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है, जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलेगी। आर्मी की तरफ से डीसी साहब यहाँ हैं, डीआईजी साहब इधर हैं, जेकेपी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करेगा, उसके अंदर आर्मी की तरफ से पूरा सहयोग। रही जो कंपेंसेशन की बात आप करते हैं, परिवार जो हैं उनकी हम पूरी मदद करेंगे। इंडियन आर्मी इतने साल से यहाँ पर आप लोगों की मदद कर रही है, इंडियन आर्मी आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें दुर्घटना जो आज हुई है उसके लिए जो भी कार्रवाई है की जाएगी और जिसको जो सज़ा लागू है वो सज़ा मिलेगी, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन जैसे चलेगी उसके हिसाब से हम अपना कॉपरेशन साफ करेंगे। ईसीपी के पास हम खड़े हैं। यहाँ सुबह 5 और 6 के दरमियान एक बहुत भयानक जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें दो जवान जो हैं, जो पोर्टर थे, जो काम कर रहे थे आर्मी में, उनकी हलाकत हुई है और एक शख्स जो है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ है। और यहाँ पर पूरा जो है हाईवे जो है जम्मू रजौरी हाईवे जो है ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये तीनों लोग जो थे ये आर्मी के अंदर जो है ये एज ए पोर्टर काम कर रहे थे और यहाँ पर ज़िला इंतजामिया की पूरी टीम जो है वो पहुँच चुकी है, जिसमें डीसी राजौरी, एसीआर राजौरी और बाकी अमला और पुलिस, एसएसपी राजौरी मोहम्मद असम चौधरी और सब लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर अभी जो है स्थिति जो है वो अभी बहाल नहीं हुई है, आमदोरफ्त टोटली बंद है। यहाँ पर जो है जितनी भी आमदोरफ्त है, जम्मू से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं या राजौरी से जा रही हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी पहुँच चुकी है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इनके साथ किस तरह का इंसाफ होगा। क्यूम लोन टेक वन राजौरी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।